ये तानाशाह लोगों का काम है कि इन्हें दबाना, धमकाना, जेल में पहुंचाना। भारतीय जनता पार्टी लोगों को क्या नाम है गुमराह करने का काम करती है और आज तक वो ही करती आई है। भारतीय जनता पार्टी तो कहती है कि बेईमान 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 खून चूस के खा गए गरीबों का। जनता की अदालत लगाता है, एक मन की बात करता है कि दिल्ली के दिल से अरविंद केजरीवाल फिर से भ्रष्टाचार का एक ही काल केजरीवाल 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 दोबारा आना चाहिए। हमें बहुत सुविधा मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है उससे। मेरे साथ महिलाएं मौजूद हैं जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इनका केजरीवाल ईमानदार है या नहीं है। उसी के साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि जनता के दरबार में जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने लगातार सवाल खड़े किए, अपने ईमानदार होने के सबूत दिए, तो क्या दिल्ली की जनता उन पे भरोसा करती है या नहीं करती। तो मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि 10 साल हो गए एक ऐसा मुख्यमंत्री जो कहता है कि 10 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद भी उनके पास उनका घर नहीं है, तो कैसे कहेंगे देखते आप। केजरीवाल ने जनता के लिए करा, अपने लिए नहीं करा, हमारे लिए करा। केजरीवाल हमारा है, हमारा है केजरीवाल। केजरीवाल ने कुछ गरीबों की इतनी सहायता करी, पानी फ्री, बिजली फ्री, और तुम्हारा यात्रा कराई 60 के ऊपर लोगों के लिए, और पेंशन दे रहा है, बस फ्री चल रही है। जो करा, जो किसी सरकार ने नहीं करा आज तक, जो केजरीवाल ने करा है। आपका अरविंद केजरीवाल ईमानदार है? ईमानदार है, ईमानदार है, ईमानदार है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो कहती है कि बेईमान 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 खून चूस के खा गए गरीबों का। हमको पता है। आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से सवाल उठाए हैं भारतीय जनता पार्टी पे और आरएसएस पे, क्या वो दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल पे भरोसा करेगी कि भारतीय जनता पार्टी पे? हम तो अरविंद केजरीवाल पे करेंगे। और कुछ नहीं मिला, कोई घोटाला नहीं करा उसने, कोई घोटाला नहीं करा, घोटाला नहीं करा। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अरविंद केजरीवाल आपकी नजर में ईमानदार नेता है या नहीं? बिल्कुल ईमानदार है जी। क्या काम कराए उन्होंने आपके? उन्होंने हमारे स्कूल बनवाए हैं, हमारे लिबासपुर में स्कूल बनवाए, अस्पताल बनवा रहे हैं, हर चीज की सुविधा, बिजली माफ, बसों में गरीब बहनों को टिकट माफ, हर चीज की सुविधा दे रहे। और क्या करें, बच्चों को शिक्षा अच्छी करवा दी, स्कूल अस्पताल बनवा दिए। पहले तो इतने काम नहीं होता, अब काम होने लगे थे, केजरीवाल को बीमार बता देते हैं। इतनी सालों से सरकार आई, लिबासपुर में नारियल फोड़ के चली गई है, लेकिन आज तक उस हॉस्पिटल की नींव किसी सरकार ने नहीं रखी, जो कि आज अरविंद केजरीवाल ने पूरा हॉस्पिटल तैयार करके खड़ा कर दिया है। 1100-1200 बेडों का 10 कम से कम 8-10 मंजिल की बिल्डिंग बना रखी है, जो कि बाईपास से खड़े हो गए तो वहाँ दिखाई देगी आपको। लिबासपुर में कहाँ बनाया है आपके घर के पास? हमारे घर के सामने, घर से छत पर चढ़ जाते हैं तो हॉस्पिटल दिखाई देता है, और स्कूल भी बना रखा है, गली नाली कर रखी है, सब कम करता है हमारे लिए, हमारे लिए। लेकिन गली नालियाँ तो बड़ी गंदी नजर आती है, सड़कें तो टूटी हुई नजर आती है, इतनी हो रही है, जो तो क्या करे। केजरीवाल जेल में जा रही है, पिछले 20 साल से ऐसी है, पिछले 20 साल राम जी बरसना किसी के नाराज करता नहीं। तो सड़कें बनेंगी जब ये कुछ होने नहीं देंगे, जब आगे इनकी सरकार कुछ करने नहीं देगी, इनके एलजी कुछ करने नहीं देंगे, तो करेंगे कहाँ से ये बताइए। अगर ये चोर होते तो टूटे सोफे इनके घर में नहीं होते, ईंट लगा के सोफे रखे होते। आपने भी देखा होगा कि टूटे सोफे पड़े हैं, ईंट लगा के सोफे पे बच्चे बैठे हुए हैं उनके। ये चीज देखो, कहां से चोर होगी? चोर तो बीजेपी है, जो कि पैसों में जनता को खरीदना चाहती है, लेकिन कोई बिकने वाला नहीं। बीजेपी ने कहा था इलेक्शन में कि लखपति बहने बनाई, मुझे एक लखपति बहनों से मिलवा दो, मिलना चाहती हूँ। मेरी ये विषय मैंने व्रत कर रखा है, बहना से मिलवा दो, बस एक लखपति बहन से मिलवा दो, जिसे मोदी ने लखपति बहन बनाया, जो बैनर लगाए थे बस स्टॉप से, मैं खड़ी होकर देखती थी, पढ़ती थी लखपति बहने, वो लखपति बहन से एक बहन मुझे मिलवा दो। अरविंद केजरीवाल को आप ईमानदारी का सर्टिफिकेट देंगी? बिल्कुल देंगे, 100% देंगे, क्योंकि उन्होंने हमारे बच्चों के लिए, हमारे महिलाओं के लिए और हमारे लिए उन्होंने इतना अच्छा काम किया है कि कोई सरकार आज तक नहीं की, ना कर पाएगी। क्या काम किए अरविंद? उन्होंने बच्चों के लिए स्कूल है, महिलाओं के लिए यात्रा फ्री की है, बसें फ्री की, पानी बिजली, गरीबों के लिए इतना कुछ किया है कि कोई परिवार का भी बंदा नहीं कर सकता जितना उन्होंने किया है। उन्होंने हॉस्पिटल में वो इलाज शुरू करवाए हैं जो कि आज तक प्राइवेट वाले नहीं कर सकते, और केजरीवाल जी ने हमारे वो सुविधा दी हमें कि हम पैसे दे के भी वो इलाज नहीं करवा सकते थे, जो आज हमारा फ्री हो रहा है। 10 साल से वो मुख्यमंत्री है लेकिन उनके पास घर नहीं है, कैसे देखते हैं आप एक ऐसे पूर्व मुख्यमंत्री को जिसके पास 10 साल कुर्सी रहने के बाद भी उनके पास घर नहीं है?
दिल्ली की दो करोड़ जनता है, उनका घर उनका परिवार यही है, एक एक घर है जो उनका, ये जनता है उनका घर। अरविंद जी एक आदेश करें, सब अपने अपने घर खोल के बैठे, हमारे घर में आ जाए, हमारे घर में आ जाए, उनका घर यही है, जनता ही उनका परिवार है बस। अरविंद केजरीवाल ने अपनी सफाई दी, जनता को बताया कि उनके ऊपर लांछन लगाई गई, उन्होंने किस तरीके से अपनी बातों को रखा, तो आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल की ये सारी बातें कहने के बाद दिल्ली की जनता उन पर भरोसा करेगी? आप ये देखिए, पूरे जनतंत्र लगा के पूरा ईडी सीबीआई पूरा भाजपा का कार्यकाल सब कुछ उनके पीछे लगा हुआ था, क्या निकल के आया? कुछ निकल के आया बताइए, कुछ निकल के आया हो तो वह बाहर आ गए, आगे ना बाहर, और जनता के बीच में है, और जनता ही आने वाले विधानसभा में जनता ही इनको बताएगी। अरविंद केजरीवाल को क्या आप ईमानदारी का सर्टिफिकेट देते हैं? मेरा नाम मोहम्मद अजरुद्दीन है और मैं मुश्तवाई विधानसभा से हूँ, और यहाँ जो ये लोग आए हुए हैं ये इसका सबूत है कि हमारा नेता कितना ईमानदार है। केजरीवाल वो शख्सियत है जिसने सीएम की कुर्सी को लात मार दी, हिंदुस्तान का इतिहास है ये, कोई केजरीवाल जैसा नेता हो नहीं सकता, और केजरीवाल जी का ईमानदारी का सबूत है ये कि उन्होंने कुर्सी को लात मार दी ताकि जनता दोबारा फिर उनका फैसला कर सके, दोबारा उनको वोट दे के फिर दोबारा मंच पर उन्हें बिठा। लेकिन सवाल ये है कि क्या अरविंद केजरीवाल का कहना है कि वो एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं रहे हैं जिन्होंने 10 साल कुर्सी पर रहने के बावजूद उनके पास घर नहीं है? जी ये सच्चाई है, क्योंकि उन्होंने सब त्याग रखा है, वे जनता के लिए निस्वार्थ काम कर रहे हैं, और जनता उन्हें दिखा देगी, उन्हें अपना सबूत देगी, हक अदा करेगी, और फिर दोबारा मुख्यमंत्री चुन के फिर दोबारा उन्हें वहीं पहुंचाएगी। उनके जो उन्होंने तथ्य दिए या आरएसएस पर सवाल उठाए उन्हें आप कैसे देखते हैं? जी हम उन्हें बिल्कुल सही साबित करना चाहते हैं, वे निखाली तानाशाही कर रहे हैं और सता रहे हैं, जनता को सता रहे हैं। उनका तो भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी पूरी तरीके से घोटालाबाज है, और घोटाले के साथ साथ उन्होंने दिल्ली की जनता के साथ उनके हक को मारा है, कि आप कैसे कैसे देखते हैं? ये बिल्कुल झूठ है, ये तानाशाह लोगों का काम है कि उन्हें दबाना धमकाना जेल में पहुंचाना, सिर्फ और सिर्फ लोगों को दबाने का काम कर रहे हैं और जनता को सिर्फ और सिर्फ नुकसान पहुंचा रहे हैं, और कुछ नहीं, ये युवाओं की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, और युवाओं से पूछो, उनके दिल से पूछो, वे कितने परेशान हैं आज। मैं ये पूछना चाहूंगी कि अरविंद केजरीवाल ने आपके कितने काम कराए हैं? 100% काम कराए मैम। क्या क्या काम? जैसे आप देख लीजिए मोहल्ला क्लिनिक है, जैसे आप देख लीजिए फ्री बस सेवा है, जैसे आप देख लीजिए पानी फ्री है, बिजली फ्री है, शिक्षा में क्रांति आई है, स्वास्थ्य में क्रांति आई है, और क्या चाहिए गरीब आदमी को? बैठे बैठे उसके महीने के 3-4 हज़ार रुपए बचते हैं, ये डायरेक्ट फायदा अरविंद जी ने दिया है गरीब आदमी को, डायरेक्ट फायदा यही दिया है। मैं लेकिन इसके साथ ये जानना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का साफ तौर पर कहना है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल नहीं आएंगे, ये जो हो रहा है जनता की दरबार जो लगाई जा रही है, सफाई दी जा रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ही चुना जाएगा दिल्ली में, क्या कहेंगे इस पे आप? ये भीड़ इस बात का सबूत है कि अगली बार भी क्या नाम है हमारे सीएम अरविंद केजरीवाल पूर्ण बहुमत से आएंगे यहाँ पर, और दोबारा अल्लाह ने चाहा तो वो दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। इसी के साथ मेरा ये सवाल आपसे है कि जो बातें उन्होंने कही हैं आरएसएस को लेकर, या आरएसएस पर जो सवाल उठाए हैं भारतीय जनता पार्टी के रवैयों को लेकर, उस पर कैसे कहें, क्या कहेंगे आप? देखिए भारतीय जनता पार्टी लोगों को क्या नाम है गुमराह करने का काम करती है, और आज तक वही करती आई है। अरविंद केजरीवाल ऐसे शख्स हैं जिन्होंने क्या नाम है हर धर्म के लोगों को और हर जाति के लोगों को समान माना है, और हर तरह की फैसिलिटी उनके हिसाब से उन्होंने सबको दिए। आपको लगता है कि लोग अरविंद केजरीवाल पे भरोसा करते हैं? जी बिल्कुल भरोसा करते हैं, जब भी देखिए आप कैमरा हटा के देखिए कितनी भीड़ है, अगर भरोसा नहीं करते तो इतने लोग कभी इकट्ठा नहीं होते। ये पैसों की बुलाई हुई भीड़ नहीं है, ये क्या नाम है हमदर्दी में आई हुई भीड़ है, और क्या नाम है ये केजरीवाल के साथ हैं हम सब जितने भी यहाँ लोग बैठे हैं।